हेलो एवरीवन, दिस इज यू लैडम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों काफ़ी दिन से कमेंट आ रहे थे, भाई मेरी बाइक चलते चलते बंद हो रही है या स्पीड में बंद हो रही है। तो जब से ज़्यादा कमेंट यही आते हैं कि स्पीड में बंद हो रही है, 70 के एवर जाने पर स्पीड में बंद हो रही है, तो क्या प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम मेरे साथ आ चुकी है, मैं फेस इस प्रॉब्लम को फेस कर चुका हूँ और इसका सोल्यूशन है, मुझे पता है अच्छे से कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो दोस्तों काफ़ी लोग कह रहे थे तो उसको मैं रिप्लाई देता हूँ और एक का देता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन जिन भाइयों को अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है वो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो क्यों करें वो इसलिए करें क्योंकि मैं ज़्यादातर आंसर वहीं देता हूँ। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो भाई ये गई हमारी कॉइल प्लेट पूरी कम्प्लीट, पूरी कॉइल मैगनेट प्लेट भी कह दो या कॉइल प्लेट कह दो, पूरी कम्प्लीट। इसमें होता क्या क्या है, इसमें आप जैसे कि देख रहे हैं ये है स्टार्टिंग कॉइल, ये है लाइट कॉइल, ये है पिकअप कॉइल। अब इसमें हमें डालना क्या है, इसमें ख़राब क्या है जो बंद हो रही है? काफ़ी लोग कहीं नहीं भाई स्टार्टिंग कॉइल डालनी है, ये डालना है, नहीं। इसमें समस्या क्या है, जब के आर एक्स में जब भी स्पीड बढ़ाते हैं तो थोड़ी सी हीटअप हो जाती है जिसके कारण बंद हो जाती है वो। तो उसमें क्या करना है, हमें डालनी है पिकअप कॉइल। आप खाली पिकअप कॉइल चाहें तो खाली पिकअप कॉइल डाल दें, पर नहीं, मैं वो और आपको उपाय दूंगा और बढ़िया, सबसे बढ़िया उपाय दूं, तो आप पूरी कॉल प्लेट चेंज कर दें। पूरी कॉल प्लेट हो जाएगी 800-850 के समथिंग। आप चाहे तो कॉल प्लेट नहीं डालें कोई दिक्कत नहीं है, पर पिकअप कॉल जरूर डालनी है। पिकअप कॉल की वजह से ही गाड़ी 70 के अब जाने पर बंद हो जाती है, फिर स्टार्ट हो जाती है, काफ़ी जल्दी स्टार्ट हो जाती है। अब इसमें आपको थोड़ी जानकारी दे दूँ, उसमें वायर कौन कौन से होते हैं। पिकअप कॉल का वायर होता है वाइट एंड रेड, और स्टार्टिंग कॉल का होता है रेड एंड ब्लैक, और लाइट कॉल का होता है खाली पीला था, और एक न्यूट्रल का हो गया आपका ये हरा वाला न्यूट्रल लाइट का, ये अलग स्टार्टिंग का, ये अलग हो गया, और ये लाइट और पिकअप कॉल का है, ठीक है। अब पिकअप कॉल क्या काम करती है, पिकअप कॉल जब हमारा स्ट्रोक जब ऊपर आती है तो पिकअप कॉल उसी जगह स्पार्क देती है। पिकअप कॉल का ये काम हो गया, जब भी ख़राब हो जाती है तब भी स्पार्क नहीं देती सही से, या स्टार्ट नहीं होती गाड़ी, अभी पिकअप कॉइल हमारी ख़राब हो जाती है, ठीक है। ये तो चीज़ मैंने दोस्तों समझा दी, जरा 70 के वेब जा रही है तो कहाँ से क्या प्रॉब्लम आती है। ये प्रॉब्लम मेरे साथ आई थी, 1.5 साल हो गया इस बात को आई होगी, तो मैं काफ़ी परेशान हो गया। मैं भी सोचता ये कैसे होगी, कर परेशान हूँ, कम से कम मैं 20 दिन बाद मैंने उसका सोल्यूशन ढूंढ पाया कि भाई ये प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता, वो आपको पता होगा, मैं ज़्यादातर आंसर भी नहीं दे पाता इसकी वजह से। तो दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, मैंने आपको उसका आंसर दे दिया। बात करते हैं, छोटी सी बातें कर लेते हैं कि भाई आरएक्स क्यों नहीं निकालते आप भाई, तो आरएक्स अभी यूँ नहीं निकल रहा, मेरे पास पेट्रोल के लिए पैसे नहीं है, उसकी वजह से मैं उसका थोड़ी कंडीशन भी आप देख रहे थे, कंडीशन भी काफ़ी बेकार हो गई है। तो वो एक रेसिंग टिप्स मैंने दी थी, वो रेसिंग टिप्स मैंने आपको ट्राई कर चुका हूँ, उसकी वजह से वो हो चुकी है। काफ़ी लोगों से रेसिंग टिप्स के बारे में पूछ रहे थे, तो अगली जो वीडियो होगी वो रेसिंग टिप्स के ऊपर होगी। और दोस्तों मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन तो दे ही दी, दोस्तों अब चलेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पर जो फॉलो करना, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, ऐसे अच्छे अच्छे कमेंट दोस्तों पूछते रहो। और भाई मेरे अलावा आरएक्स की वीडियो कोई नहीं डालता, तो चैनल पर दोस्तों बने रहो यार। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, आज की वीडियो से यहीं तक थी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।